रात को दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। नमाज वाला दुरूद शरीफ अफजल है। अल्लाह ताला हमारे हरशाह की मौत सारा तरह फरमाए लगे तौबा के वक्त नीयत पक्की तौबा की हो। है हाँ, तौबा के वक्त नीयत पक्की तौबा की हो, फिर कोई भूल हो जाए अल्लाह से फिर तौबा कर लिया रखना। अल्लाह तौबा न छोड़े हैं, मायूस नहीं होना, उनकी बारगाह में झोली फैलाए रखनी है रहना। हाँ, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। हाँ फिर देखो तो कहते हैं गुनाह से बचने के लिए हिम्मत से काम लेना है। बस जो गुनाह के असबाब हैं कोशिश करें उनसे दूर रहें, जो गुनाह वाली बातें हैं उनको न देखें न पढ़ें न सुने याद रहे। हाँ उनसे जरा एहतियात करते रहें। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी। तो असर की नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार रात को दुरूद शरीफ पढ़ लें। नमाज वाला दुरूद शरीफ अफ़ज़ल है। कोई मुख्तसर दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मैं कितने देखता हूँ अपने बुजुर्गों को नमाज पढ़ने के लिए, कई दफ़ा यहाँ पर भी और ही मस्जिदों में हमारे बुजुर्ग मैं जानता हूँ अलहमदा भी चाहे दिन भर मसरूफी और रात को तहज्जुद के लिए खड़े होते हैं अलहमदिल्ला, और अजान के बाद यहाँ अलहमदिल्ला। कितने हमारे नौजवान जिनमें अल्लाह ने कुरान पाक की तिलावत अल्लाह ताला के जिक्र का जज्बा अलहमदिल्ला। कहते हैं ना किसी मुसलमान को हकीर न समझें, हर एक के सीने में अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का नूर भर रखा है। ये तो आखत में पर्दे उठेंगे किस किस बहाने से अल्लाह सबको अपनी रहमत से नवाज़ेगा अल्लाह ताला। है यार।